हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अगेन हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था टेक्स्ट बुक के बारे में, पाठ्य पुस्तकों के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा था पाठ्य पुस्तकों का अर्थ और उसकी परिभाषा, फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व, फिर पाठ्य पुस्तक के लाभ और विशेषताएँ, फिर पाठ्य पुस्तक की हानियाँ। ये हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम अगेन न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले विभिन्न स्तरों में पाठ्य पुस्तकों का उचित प्रयोग, कि विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों का उचित प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तकों का चयन, कि सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, कि कैसे पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए मापदंड। मापदंड ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के उससे पॉइंट एग्ज़ाम व्यू से, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए मानदंड। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता, कि एक अध्यापक के लिए पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है विभिन्न स्तरों में पाठ्य पुस्तकों का उचित प्रयोग। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे आप सभी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों को तार्किक, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधारों पर तैयार कर लेना तथा उनका वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों के आधार पर चुना जाना पर्याप्त नहीं है, अपितु उनके प्रभावी प्रयोग के तरीकों में सुधार लाना भी अत्यंत आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग स्वतंत्र शिक्षण विधि तथा सहायक उपकरणों दोनों ही रूपों में किया जाता है। गणित के अलावा कुछ अन्य विषय जैसे भाषा, सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के बिना पढ़ाए ही नहीं जा सकते। पाठ्य पुस्तक उद्देश्यों की पूर्ति केवल साधन मात्र है, उद्देश्य नहीं। अ टेक्स्ट बुक इज अ मीन एंड नॉट एन एंड इन इट्सेल्फ। यह अध्यापक की सहायक है, ठीक है। अध्यापक की क्या है? सहायक है, असिस्टेंट है, अफसर नहीं। अध्यापक को पुस्तक का दास नहीं बनना चाहिए। टेक्स्ट बुक इज नॉट द मास्टर ऑफ द मास्टर टू बी द फियर्ड बट रेदर अ सर्वेंट टू द असिस्ट। इसमें दी गई पाठ्य जो इसमें पाठ्य विधि दी जाती है वो ईश्वर की आज्ञा नहीं है, केवल सुझाव है। यदि आपके अनुभव से उपस्थित सामग्री उपयुक्त दिखाई पड़ती है तभी उनको क्या करना चाहिए? तभी उनको अपनाना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि आप समझते हैं कि सुझाई गई विधियों में से विद्यार्थी किसी प्रत्यय या प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो उन विधियों को तुरंत छोड़ा जा सकता है। पुस्तकों को बार बार नहीं बदलना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह अपनी व्यक्तिगत पुस्तक में अतिरिक्त खाली पृष्ठ लगा ले तथा कक्षा संबंधी अनेक अनुभव से पुस्तक में सुधार संबंधी बातें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कि देखो जैसे विभिन्न स्तरों में पाठ्य पुस्तकों का कैसे प्रयोग होता है, जैसे पूर्व माध्यमिक स्तर। पूर्व माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि अबोध या शिशु उसको ठीक प्रकार से संभालना ना सीख जाए, ठीक है। उसके बाद नंबर टू, प्राथमिक तथा जूनियर स्तर, प्राइमरी एंड मिडल स्टेज। प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद नंबर थ्री, उच्च स्तर, हायर लेवल। उच्च स्तर पर प्रयोग में लाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें छात्रों के मानसिक स्तर, उनकी रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद सहायक सामग्री के रूप में, एज अ टीचिंग एड, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक स्वयं में ही एक श्रेष्ठ सहायक सामग्री है। उसके बाद है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, कंट्रीब्यूशन टू एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन यहाँ हमें यह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन मात्र ही नहीं, एक साध्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग विषय की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का शिक्षण पाठ्य पुस्तक के अभाव में प्रभावशाली नहीं हो सकता, जबकि दूसरे विषय जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि में मौखिक शिक्षण से भी कार्य चल सकता है। उसके बाद पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करते समय जो विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए वो है, नंबर वन, पाठ्य पुस्तकों को उचित स्थल
पर ही प्रयुक्त किया जाए। नंबर 2, पाठ्यपुस्तक को पढ़ाते समय विद्यार्थी के आसन, उसकी मुद्रा तथा आँखों की गति पर भी ध्यान देना चाहिए। बालक पाठ्यपुस्तक में वर्णित विचारों तथा तथ्यों को समझने का प्रयास करें। उसके बाद पाठ्यपुस्तक को पढ़कर बालक में आलोचनात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। उसके बाद पाठ्यपुस्तक को पढ़कर बालक के नवीन ज्ञान एवं अनुभवों को पुनर्बलन मिलना चाहिए। ठीक है, शिक्षा में पाठ्यपुस्तक के महत्व के संबंध में क्रो एंड क्रो ने लिखा है, ना तो मात्र पुस्तक और ना ही अध्यापक शिक्षा का सर्वोत्तम साधन बन सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भावी युवक अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह करने में दक्षता प्राप्त कर लें, तो हम एक उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक एवं सुप्रशिक्षित अध्यापक दोनों को ही अपनाना होगा। तो ये तो था विभिन्न स्तरों में पाठ्यपुस्तकों का उचित प्रयोग। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक। देखो, पाठ्यपुस्तकों का चयन एक जटिल समस्या है। पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित करने से पूर्व उनका मूल्यांकन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। यह सुनिश्चित मानदंड के अभाव में मूल्यांकन करना कठिन है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT दिल्ली की एक शाखा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा मूल्यांकन के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से कार्य कर रही है। पाठ्यपुस्तकों के चुनाव के लिए अपेक्षित मापदंड निश्चित किए जा रहे हैं तथा यह आशा की जाती है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर निर्धारित होने वाली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन इन मापदंडों के आधार पर कर सकेगी। तो पाठ्यपुस्तकों के चुनाव के लिए, जब हम पाठ्यपुस्तकों का चुनाव करते हैं, पाठ्यपुस्तकों का चुनाव करने के लिए अध्यापक को अपने छात्रों की पुस्तक चयन करते समय छात्रों के वर्ग, रुचि, योग्यता ध्यान रखना चाहिए। उसे स्वयं छात्रों को स्तर के अनुरूप रखकर पुस्तक का चयन करना चाहिए। कभी कभी उपलब्ध पाठ्यपुस्तक का स्तर निम्न होता है, उनमें मौलिकता का अभाव होता है। ये सीमित पाठ्यक्रम तथा परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लिखी जाती हैं। इनमें ना तो वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों की स्पष्ट विवेचना होती है और ना ही नवीन ज्ञान का समावेश होता है। उदाहरण भी आधुनिक जीवन से संबंधित नहीं होते हैं। पाठ्य वस्तु का विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध का भी अभाव रहता है। अध्यापक के समक्ष अपने छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक का चयन करना बहुत ही कठिन कार्य है। बाह्य दबाव तथा उसकी स्वयं की मान्यताएँ एवं स्थानीय दिशाएँ उनके चयन को प्रभावित करती हैं। पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय उसे किन्हीं मानदंडों की आवश्यकता महसूस होती है जो कि उसके चयन को वस्तुनिष्ठता प्रदान कर सके। अब हम बात करते हैं एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन में निम्नलिखित मानदंड सहायक होते हैं। 1, पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम के सभी अंगों का उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। 2, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। पाठ्यपुस्तक जिस श्रेणी के लिखी गई है उसी श्रेणी के जैविक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है पुस्तक का लेखक, राइटर ऑफ द बुक। पाठ्यपुस्तक सदैव विषय के ज्ञाता, योग्य तथा अनुभवी लेखक द्वारा लिखी होनी चाहिए। लेखक को उन श्रेणियों को पढ़ाने का अनुभव हो जिनके लिए पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद है सामान्य छात्रों हेतु उपयोगी, यूजफुल फॉर कॉमन स्टूडेंट। पुस्तक की अधिकांश सामग्री सामान्य छात्रों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक छात्रों की आयु, वर्ग व अनुभवों के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यय, छात्रों की परिपक्वता के स्तर के ऊपर अथवा नीचे नहीं हो और वह छात्रों की रुचियों आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 5, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन पाठ्य वस्तु का, जो पाठ्य पुस्तक होती है उसका संगठन भी 2 स्तरों पर होना चाहिए। जैसे पहला है आपका तार्किक संगठन और दूसरा है मनोवैज्ञानिक संगठन। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं पहले मनोवैज्ञानिक संगठन। मनोवैज्ञानिक संगठन, इस संगठन का केंद्र बिंदु छात्र होता है।
छात्र की मनोवृत्ति, रुचि, आयु, बुद्धि वर्ग, आवश्यकताओं व अनुभवों और इच्छाओं को इसका आधार बनाया जाता है। छोटी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करते समय एवं विषय सामग्री को व्यवस्थित करते समय मनोवैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक पहलू के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। पहली, भाषा सरल, शुद्ध, प्रभावमयी तथा बोधगम्य हो। दूसरी, पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ, आवरण तथा गेटअप आदि आकर्षक होने चाहिए। पाठ्यपुस्तक का मूल्य बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक आधुनिक गणित को ध्यान में रखकर लिखी गई हो। उसके बाद हम बात करते हैं तार्किक संगठन की। इसमें पाठ्य वस्तु को बनाया जाता है और विभिन्न भागों को उसी दृष्टि से क्रमबद्ध किया जाता है। ऊंची कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करते समय एवं विषय सामग्री को व्यवस्थित करते समय तार्किक पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। तार्किक पहलू के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं, जैसे पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना आवश्यक। दूसरा, विभिन्न अध्यायों का क्रमिक रूप से आयोजन होना चाहिए। तीसरा, चित्रों, आंकड़ों, तालिकाओं तथा ग्राफों को यथास्थान रखा जाए तथा इनका समुचित वर्णन भी प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, पाठ्य वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। इससे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के 2 पॉइंट्स थे, तार्किक संगठन और मनोवैज्ञानिक संगठन। उसके बाद आता है नंबर 6, पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु को भी ऑल्सो वी आर डिवाइड इन मैनी कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज श्रेणी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। जिस श्रेणी के लिए पुस्तक लिखी गई है, पाठ्य वस्तु उस श्रेणी के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 2, पाठ्य सामग्री का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद आवश्यकताओं के दृष्टिगत, इन व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट। पाठ्य पुस्तक जैविक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कोई भी विज्ञान है कि आधुनिक उपयोगी विधियों की आवश्यकताओं के अंतर्गत लिखी जानी चाहिए। उसके बाद व्यवहारिकता, प्रैक्टिबिलिटी। इसका तात्पर्य है कि विषय वस्तु का छात्रों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं, उनके सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश से संबंध होना चाहिए। उसके बाद अंत अनुशासनात्मक, इंटरडिसिप्लिनरी। इससे तात्पर्य है कि उस श्रेणी में जैविक विज्ञान, गणित विज्ञान या कोई भी विषय हो, जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनको दृष्टिगत रखकर पाठ्य सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए कि जैविक विज्ञान या गणित विज्ञान, कोई भी विज्ञान है, स्वाभाविक रूप से सभी विषयों के साथ संबंध स्थापित कर सके। उसके बाद सारांश व पुनस्मरण, समरी एंड रिविजन। प्रत्येक पाठ के अंत में सारांश के रूप में मुख्य बातें दोहराई जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न एवं समस्याएं। प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास तथा पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न तथा उपयुक्त समस्याएं होनी चाहिए। नवीन प्रकार के प्रश्नों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। उसके बाद शैली एवं भाषा, स्टाइल एंड लैंग्वेज। नंबर 7, रुचिकर शैली एवं भाषा, स्टाइल एंड लैंग्वेज। नंबर वन रुचिकर व मनमोहक शैली, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव स्टाइल। पुस्तक रुचिकर तथा मनमोहक शैली की लिखी होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी तरह से मन लगाकर उसको पढ़ सके। दूसरा, सरल भाषा होनी चाहिए, वाक्य सही रूप से लिखे जाने चाहिए, ठीक है। आकर्षक व स्पष्ट होनी चाहिए, अलग अलग गद्यांश होने चाहिए। शब्दावली का प्रश्न है, अधिकांश विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में दोष पाया जाता है। नेक्स्ट, त्रुटि विहीन होनी चाहिए, डिवाइड ऑफ मिस्टेक। पुस्तक में भाषा संबंधी तथा मुद्रण संबंधी भूले नहीं होनी चाहिए, ऐसी तनिक से गलती भी शब्दों का अर्थ उलट पुलट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नंबर 8, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु गृह विज्ञान के विकास, विभागों, एकीकरण, पुनर्बलन, सामान्यीकरण और प्रायोगिक उपयोगिता से संबंधित होनी चाहिए। खोज प्रवृत्ति के विकास में सहायक होने चाहिए। गृह विज्ञान उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए, ठीक है। इसमें सरल, स्पष्ट और बोधगम्य भाषा का उपयोग ही होना चाहिए। उसके बाद नंबर 9, पुस्तक की छपाई तथा गेटअप, प्रिंटिंग एंड गेटअप ऑफ द बुक। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कागज़ की। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त कागज़ अच्छे स्तर का होना चाहिए। छपाई, कक्षा में अक्षरों का एवं चित्रों का आकार प्रयोग बड़ा रखना चाहिए। शीर्षक बड़े तथा छोटे टाइप में आवश्यकता अनुसार दिए जाने चाहिए।
उसके बाद अक्षर, छपाई सीधे अक्षरों में स्पष्ट एवं अच्छी तरह से पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जिल्द साजी, बाइंडिंग, फिर उसके बाद उसका आकार, ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी पुस्तक की छपाई तथा गेटअप में। अब लास्ट है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक पाठ्य पुस्तक में शिक्षण सहायक सामग्री का होना अनिवार्य है। विषय वस्तु तथा अनुक्रमणिक विस्तृत होनी चाहिए। यदि परिभाषिक शब्द हो तो उनमें सब तकनीकी शब्दों का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक के लिए सहायक प्रयोग भी दिए गए हैं। यदि पूरे पाठ का सार संक्षेप में दिया जाए तो पाठ के सब मुख्य भाग समाहित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पाठ्य पुस्तकों का चयन। तो अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं पाठ्य पुस्तकों के लिए मानदंड, ऐसे कौन से क्राइटेरियन हैं जो इवैल्यूएशन करने के लिए पाठ्य पुस्तकों में होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का चुनाव तथा निर्धारण करने से पूर्व यह आवश्यक है कि वस्तुनिष्ठ मानदंडों, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अध्यापक तथा शिक्षक दोनों ही करते हैं, अतः मूल्यांकन के लिए इनकी राय जानना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। कभी कभी अध्यापक या विद्यार्थी कुछ पक्षपात या अन्य व्यक्तिगत कारणों से वशीभूत होकर किसी पाठ्य पुस्तक की कटु आलोचना तथा निंदा करने लग जाते हैं, यह उचित नहीं है। इस दृष्टि से यह पक्षपात रहित मानदंडों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्ति निम्नलिखित समितियां प्राप्त करना आवश्यक होता है। नंबर 1, विषय से संबंधित किसी विज्ञान की संपत्ति। दूसरा, विषय के अनुभवी एवं योग्य शिक्षक की सम्मति। नंबर 3, विषय विशेषज्ञ की सम्मति। उसके बाद नंबर 4, विषय के विद्यार्थियों की सम्मति। पाठ्यपुस्तक के बारे में विषय के विद्वानों, शिक्षकों, छात्रों तथा शिक्षण के विशेषज्ञों की समितियों को वस्तुनिष्ठ करने की दृष्टि से 2 या 3 बातें आवश्यक होती हैं। उसके बाद पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन अधिकतर समितियों पर ही निर्भर करता है, किंतु कक्षा के अंदर छात्रों पर प्रयोग करके ही पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन आवश्यक है, मूल्यांकन संभव हो पाया है। उसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए जो मानदंड बनाए गए हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, पुस्तक का यांत्रिक पहलू, मैकेनिकल एस्पेक्ट। इसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तक का बाह्य स्वरूप जैसे आकार, पृष्ठ संख्या, जेल, कागज, फिल्म, छपाई, स्पष्टता, सजधज तथा हाशिया आदि सम्मिलित होते हैं। उसके बाद नंबर 2, पाठ्यपुस्तक की व्यवस्था। इस मानदंड के अनुसार पाठ्यपुस्तक के भीतर विषय का विभाजन, उसकी श्रृंखला बद्धता, तार्किकता, सारांश तथा अभ्यासमत प्रश्नों की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु की भाषा शैली, उसके शब्दावली, प्रतिपादन जैसे प्रतिपादन पद्धति, विषय की स्पष्टता और बोधगम्यता आदि निहित है। उसके बाद है उदाहरण। इसके अंतर्गत मानचित्र, चार्ट, रेखाचित्र, ठीक है, चार्ट, ग्राफ आदि की शुद्धता, वस्तुनिष्ठता, स्पष्टता, उपयोगिता, व्यवस्थापना, वास्तविकता, उपयोगिता, रोचकता तथा आकार आदि के विचारों पर निर्भर करती है। उसके बाद है अभ्यासरत प्रश्न, एक्सरसाइजेस। प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासरत प्रश्नों का विषय वस्तु से संबंध होना चाहिए। इसमें उनकी व्यापकता, प्रेरणात्मक शक्ति का प्रेरणा शक्ति, स्पष्टता, शुद्धता, विश्वसनीयता तथा कठिनाई स्तर का निर्धारण करना आवश्यक होता है। उसके बाद सहायक ग्रंथों की सूची, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सहायक ग्रंथों की सूची तथा निर्देशन की छात्रों तथा शिक्षकों की दृष्टि से उपयोगिता पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुक्रमणिका एवं विषय वस्तु, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट। इसके अनुसार पाठ्यपुस्तक के अंदर दी गई विषय सूची की पूर्णता, स्पष्टता, व्यवस्था, व्यवहारिक उपयोगिता तथा संगठन आदि पर ध्यान दिया जाता है,
नेक्स्ट है लेखक ऑर्थर, इसके अंतर्गत लेखक की योग्यता, लेखक तथा शिक्षण अनुभव, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया, वर्तमान व्यवसाय आदि पर विचार करना होता है। तो ये तो थे हमारे क्राइटेरियन पाठ्यपुस्तक को मूल्यांकन के लिए मानदंड। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, ठीक है, वो है हमारा प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के प्रचलित शिक्षक के लिए पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता। पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने में विशेष सावधानियां आवश्यक हैं। पाठ्यपुस्तक का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि बालक शिक्षक द्वारा मौखिक विधि से सीखने के पश्चात पाठ को और अधिक दृढ़ता से हृदयमय कर ले। अतः गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्यान, पाठ्यपुस्तक का स्थान अध्यापक व छात्रों के लिए एक साधन के रूप में होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियां तथा अध्यापकों की अध्यापन क्रिया कार्य में अरुचि के कारण पाठ्य वस्तु आज साधन न होकर साध्य बन गई है। वर्तमान समय में शिक्षक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग ना करके पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग शिक्षण हेतु करता है। अतः पाठ्यपुस्तक शिक्षक की सेविका ना होकर आज स्वामी स्वामिनी के पद पर आड़ू हो गए हैं। अगर उचित पाठ्यपुस्तकों का चयन करके उन्हें अच्छी तरह से उपयोग में लाया जाए तो ये अभिशाप ना बनकर शिक्षक का दायां हाथ बन सकती है। गणित शिक्षक गणित की पाठ्यपुस्तक का अध्ययन निम्नलिखित कार्यों से करता है। नंबर वन, पाठ्य सामग्री के चुनाव का संगठन। पाठ्य सामग्री के चुनाव का संगठन, इसमें क्या होता है, इसमें पाठ्यपुस्तक से शिक्षक को विस्तृत रूप से यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक कक्षा में कितनी विषय सामग्री पढ़ानी है। पुस्तक उसे पाठ्यक्रम में पूर्णतः परिचित कराती है। इससे अध्यापक उद्देश्यों को उचित रूप से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू, स्वाध्याय के लिए, फॉर सेल्फ स्टडी। शिक्षक को स्वाध्याय के लिए भी पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। इससे अध्यापक नवीन विधियों तथा नवीन पाठ्य सामग्री अर्जन करके और उनका प्रयोग करके अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। थ्रिंग के अनुसार एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। अ टेक्स्ट बुक इज अ टीचर ऑफ टीचर्स। उसके बाद नंबर थ्री, कक्षा कार्य तथा गृह कार्य हेतु। अनुभवी शिक्षकों द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रकरण में अंत में उत्तम प्रकार के प्रश्न दिए गए होते हैं जिससे छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न पत्र के निर्माण हेतु, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर। पाठ्यपुस्तक के से छात्रों के मानसिक व बौद्धिक स्तर का पता चल जाता है जिससे शिक्षक पाठ्य वस्तु में दिए गए उदाहरणों तथा प्रश्नों के आधार पर प्रश्न पत्र हेतु प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा समय की मितव्यता, टू सेव टाइम। पाठ्यपुस्तक का प्रयोग समय की बचत की दृष्टि से भी किया जाता है। इसके लिए उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्य सामग्री एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है। अतः इसके द्वारा कक्षा के पाठ्य वस्तु चयन व संगठन में अभ्यास कार्य, गृह कार्य देने में, मूल्यांकन के संपादन हेतु प्रश्नों के चयन में जो समय नष्ट होता है उससे उसकी बचत होती है। तो उपरोक्त के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तम पाठ्य पुस्तक आधारभूत ज्ञान की प्राप्ति का साधन है तथा चिंतन हेतु यह मार्गदर्शिका का कार्य करती है। डगलस ने कहा भी है कि शिक्षक तथा पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। टीचर एंड टेक्स्ट बुक्स मेक द स्कूल। जैसा मैक्सवेल ने कहा है कि पुस्तक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। पाठ्य पुस्तक की इतनी अधिक उपयोगिता होने के कारण भी भारत में पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं, ठीक है। धन्यवाद।